हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ मैथ्स रिवीजन। वैसे तो आप लोगों का रिवीजन हमने कंप्लीट करा चुके हैं, फिर भी एक बार आपको राउंड ऑफ और आपका रोमन नंबर ये आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रहे हैं, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे सारे बच्चे। ओके स्टूडेंट, तो राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं हम नियरेस्ट टेंस की। नियरेस्ट टेंस लिख देते हैं, नियरेस्ट टेंस। ओके, तो कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे? तो सबसे पहले कोई नंबर लेते हैं, हमने नंबर ले लिया ये। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ, ये तो वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो इसको क्या करेंगे, हम अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, नाउ वी विल चेक दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5 और मोर देन 5 और इक्वल 5। ओके, तो सबसे पहले हमने ये चेक करा, ये 5 से क्या है, कम है। अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो यहाँ पे 4 की जगह 5 कर देते हम, लेकिन ये 5 से स्मॉलर है तो 4 का 4 ही रहने देंगे। ऐसे नहीं कि कम कर देंगे इसको, नहीं, एज इट इज रहेगा। और 3 और 6 और जो हमने अंडरलाइन कर रखा उसके उससे पहले जो भी जितनी भी डेट लिखी होंगी सारी सारी क्या रहेंगे, सेम एज इट इज नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, 0। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, इसी टाइप से और एक और नंबर लेते हैं, 5, 3, 4, हमने ये नंबर दिए। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस को अंडरलाइन करा, टेंस प्लेस हमारा 3 है। इसके बाद चेक करेंगे 4 है, 5 से कम है, है ना, तो हम क्या करेंगे 3 का 3 एज इट इज लिख के 0 या 5। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से और नंबर लेते हैं हम, 8, 3, 5, 9। ओके, ये नंबर ले लिया। अब इसमें टेंस प्लेस कौन सा है, 5 है। अब इसके बाद देखेंगे 5 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, तो ये 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ 0। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर हम इंक्रीज कर देंगे और ये 3, 8 एज इट इज़। इसी टाइप से और लेते हैं हम, 5, 4, 9, 5, 4, 5 ऐसे लेते हैं, 545। अब देखो टेंस प्लेस को हमने अंडरलाइन करा, अब इसके बाद में क्या है, हमने बोला 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे एक इंक्रीज करेंगे, यहाँ 4 की जगह 5 हो जाएगा, यहाँ एज चीज रहेगा, यहाँ 0। ओके, तो ये आपका राउंड ऑफ हो गया नियरेस्ट टेंस। ओके, अब बात करते हैं हम नियरेस्ट 100 की। ओके, नियरेस्ट 100 की बात करते हैं, तो नियरेस्ट 100 करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं ये। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे 100 प्लेस कौन सा है, तो 1, 10, 100, ये 100 प्लेस है, 1, 10 और 100। 100 प्लेस वाला डिजिट कौन सी है, 4। 4 को हमने क्या करा, अंडरलाइन करा। अब इसके बाद में चेक करेंगे कि 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है, इसी को चेक करेंगे सिर्फ एक डिजिट को ही। तो 5 से स्मॉलर है तो 4 का 4 एज इट इज और यहाँ 0, 0। ओके, 2 0 आएंगे नियरेस्ट 100 करने के लिए, ये 3 एज इट इज। ओके, इसी टाइप से आगे और लेते हैं हम एक और एग्जांपल, कोई सा 5, 9, 6 ये ले लिया। तो 1, 10, 100, 100 प्लेस का कौन सा, ये है 5। अब इसके बाद में देखेंगे 5 से स्मॉलर है ग्रेटर है, तो 5 से ये स्मॉल ग्रेटर है, तो अब क्या करेंगे, 5 की जगह 6 कर लेंगे, यहाँ 0, 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे, चाहे वो नियरेस्ट 1000 हो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं नियरेस्ट 1000 का भी, नियरेस्ट 1000 हमने नंबर ले लिया। ओके, ये नंबर ले लिया, थोड़ा और बड़ा कर लिया। अब 1, 10, 100, 1000, तो 1000 प्लस कौन सा, ये 2 है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको अंडरलाइन करा। अब इसके आगे देखेंगे 5 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, सो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के प्लेस पर 3 कर लेंगे, या 0, 0, 0, या 6 एज इट इज। अब इसी टाइप से और नंबर लेते हैं हम, ये नंबर ले लिया, तो 1, 10, 100, 1000, तो 1000 प्लस का कौन सा, 4 है। 4 को हमने अंडरलाइन करा, 4 के बाद में यहाँ पे क्या है, फिर से वही ग्रेटर आ गया, तो यहाँ 4 की जगह 5 कर लेंगे, या 5, 0, 0, 0। और नंबर ले लो। ओके, ये नंबर ले लिया। अब 1, 10, 100, 1000 प्लेस को हमने अंडरलाइन करा, यहाँ 3 है। अब 3 के जस्ट बाद चेक करेंगे ये कितना, 4 है, तो 4 क्या होता है, स्मॉलर देन 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, 1, 2, 3, 0,
एट यहाँ पर लगा लिया, तो ये हो गया आपका नियरेस्ट थाउजेंड। ओके, तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, चाहे वो ऐड के हों चाहे मल्टीप्लाई के हों, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो पहले नियरेस्ट करेंगे, उसके बाद में एड्स मल्टीप्लाई जो भी है वो आप कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट रोमन नंबर। रोमन नंबर की बात कर रहे हैं हम। रोमन नंबर के लिए हमने आपको बता दिया था, इसका रिवीजन करवा चुके हैं हम रोमन नंबर का, लेकिन एक बार फिर देख लो रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंबल जो होते हैं, एक तो ये होता है, इसको वन बोलते हैं, एक आपका इस टाइप से वी, इसको हम फाइव बोलते हैं, एक हमारे पास है एक्स, इसको हम टेन बोलते हैं, एक हमारे पास है एल, जिसको हम फिफ्टी बोलते हैं, एक हमारे पास हंड्रेड सी, जिसको हम हंड्रेड बोलते हैं, एक हमारे पास डी, जिसको हम फाइव हंड्रेड बोलते हैं, एक होता है हमारे पास एम, जिसको हम वन थाउजेंड बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ काउंट करो कितने सिंबल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन सिंबल के बेस पे ही हम सारे रोमन नंबर की काउंटिंग लिखते हैं, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ओके, अब क्या करेंगे हम नंबर को सबसे पहले चेक कर रहे हैं रिपीटिंग कौन से नंबर हैं, इसको हम रिपीट कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, ओके, इसको रिपीट कर सकते हैं और इसको रिपीट कर सकते हैं, यानी एक के बाद एक छोड़ के रिपीट कर सकते हो। अब सब्ट्रैक्ट करने का जो मेथड होता है, एक्स में से आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एल एल में से आई को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वी में से आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी टाइप से अब आ जाओ एक्स, एक्स को एल में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, और एक्स को सी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी टाइप से अब सी आ जाओ, सी को हम केवल एम में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करने का फंडा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं और ऐड करने के लिए राइट साइड में रखते हैं। जैसे सपोज करो हमें लिखना है फोर, फोर तो फोर कैसे लिखा जाएगा, यहाँ फोर लिखने के लिए कोई नंबर तो है नहीं, सिंबल तो है नहीं, वी में से वन सब्ट्रैक्ट करो तो वी, और ये सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, ये हो गया हमारा फोर। ओके, फाइव में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो वन हम किधर लगाएंगे, लेफ्ट साइड में। अगर हम सिक्स लिखना है हमें तो वी और आई हम राइट साइड में लिख लेंगे तो हमारा ऐड हो जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप से हम एक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो नाइन हो जाएगा। ओके, तो ये नाइन हो गया, और इसी टाइप से हमें इलेवन लिखना है तो हम क्या करेंगे, एक्स में ऐड कर देंगे इधर राइट साइड में लिख के। ओके, तो इसी टाइप से हम आगे के जितने भी हैं हम लिखते चले जाएंगे, एल में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एल में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और अगर हम एल में एक्स ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा। इसी टाइप से सी को एक्स को और किस में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स सी लिख दिया 90 हो गया, और हमने सी एक्स लिख दिया तो 110 हो गए। ओके, तो इसी टाइप से हम सी को देख रहे हैं, अब सी को डी से पहले लिखेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और अगर हम डी और सी ऐसे लिख रहे हैं राइट साइड में तो ये आपका 600 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में जैसे एम है तो एम में से हम सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये होगा आपका कितना, 900 हो जाएगा। इसी टाइप से एम और सी लिख देंगे तो हमारा 1100 हो जाएगा, 1100। ओके, तो इस टाइप से हम कर लेते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो रिपीटिंग वाले हैं आई एक्स सी और एम, इसको हम थ्राइस से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तीन बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको लिखना है 780, तो 700 कैसे लिखा जाएगा, तो डी लिखेंगे पहले, 500 हो गया, अब 600 700 100 होता है ना, 700 हो गया, 80 लिखेंगे तो पहले एल लिखना पड़ेगा, फिर एक्स एक्स और एक्स, इस टाइप से लिखेंगे। अब ऐसे नहीं है कि आपके पास 900 आ गया तो आप ऐसे लिख दोगे सी 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 सी, ऐसे नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हम, थ्री टाइम से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ओके, तो ये आप रोमन नंबर का एक बार रिवाइज करोगे, बाकी हमने वीडियो आपको भेज चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो वहाँ से आप इन कुछ एक्सरसाइज को करोगे, एक्सरसाइज भी भेज चुके हैं हम। ओके, तो इनका रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।